पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इंडिया के पापा कहने वाली अंजना ओम मोदी की जमकर कल सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ी हैं, तो धज्जियां उनकी भी उड़ी हैं जो ये पूछा करते थे कि मोदी जी आप आम काट के खाते हैं या चूस के। धज्जियां उस कैनेडियन अक्षय कुमार की भी उड़ी, तो धज्जियां सोशल मीडिया पे कल उनकी भी उड़ी जो कुछ दिन तो बिताइए गुजरात में का नारा दिया करते थे। तमाम दिग्गज लोगों की सोशल मीडिया पर भद पिटी, और भद पिटने का कारण इसलिए है कि एक छोटे से ट्वीट ने मोदी सरकार के खिलाफ आवाज क्या उठाई कि भक्त बिलबिला उठे, पत्रकारों को समर्थन में उतरना पड़ गया, पूरा बॉलीवुड मोदी जी ने अपने समर्थन में उतार लिया, तो खिलाड़ियों को भी कहां पीछे रहना था, उन्हें भी अपनी भक्ति में लीन करके अपने कसीदे पढ़ाने के लिए चुनावी मैदान में उतार दिया, या यूं कह लीजिए कि ट्विटर की जंग में उतार दिया। आप लोगों को सारी बातों का पता ही है, एक बार फिर से बता दूं कि हॉलीवुड सिंगर रिहाना ने एक ट्वीट किया किसानों के समर्थन में, जिससे पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई, दलाल चाटुकार पत्रकार भी बौखला गए, पूरे बॉलीवुड संघी चेहरा जो है वो भी खुलकर के सामने आ गया, तो कुछ खिलाड़ी जो कि संघी चेहरा लेकर के सामने थे वो भी खुलकर के मैदान में आ गए सिर्फ मोदी जी को डिफेंड करने के लिए। और जिस तरीके से फजीहत हुई है बॉलीवुड के तमाम एक्टर्स की, मोदी सरकार की, पत्रकारों की, तो उस पर एक एक कर नजर डालते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये अंजना ओम मोदी हैं जो ग्रेटा को जाकर के लिखती हैं हाउ डे यू। ये वही अंजना ओम मोदी हैं जो इंडिया के पापा अंजना ओम मोदी और इतने जवान मर गए 26 तारीख को 85, 63, 68, 18 करती हुई नजर आई थी। तो वही विराट कोहली भी अब जिस तरीके से अपनी बातों को उन्होंने रखा है उस पर भी नजर डाल लीजिए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को आंदोलन देश में बड़ा मुद्दा बन गया है। देश में हर जगह किसानों के प्रदर्शन की ही चर्चा हो रही है। खेल जगत भी इस चर्चा से अछूता नहीं रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने गुरुवार को कहा कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के मौजूद प्रदर्शन का मसला टीम बैठक में उठा, जिसमें सभी ने अपने विचार रखे। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट से पूर्व ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोहली ने इस संक्षिप्त बातचीत का ब्यौरा नहीं दिया। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में विराट कोहली टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट के बाद विराट पेरेंटिंग लीव पर भारत वापस लौट आए थे। उन्होंने कहा कि हमने टीम बैठक में इस पर बात की है, सभी ने अपनी राय रखी है। बुधवार को कोहली, सचिन तेंदुलकर, कोच रवि श्रीवास्तव समेत कई भारतीय क्रिकेट सितारों ने किसानों के प्रदर्शन पर अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना समेत कुछ अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के बाद देश में एकजुटता बनाए रखने की अपील की थी। कोहली ने ट्वीट किया था कि असहमति के इस दौर में एकजुटता बनाए रखें, किसान देश का अभिन्न अंग है और मुझे यकीन है कि सभी पक्षों के बीच आपसी सहमति से कोई हल निकल आएगा। तो दोस्तों, आपने विराट कोहली की बात को सुना। विराट कोहली ने साफ तौर पर कहा कि किसानों को लेकर के जो कुछ भी चल रहा है उस पे टीम में चर्चा की गई है और जो भी बातें हुई हैं हम वो नहीं बता सकते। साफ जाहिर है कि प्रेशर है, हम बोल नहीं सकते और अगर बोलेंगे तो हमारे फॉलोवर्स पर असर ना पड़ जाए, लोग मुझे छोड़ करके दूसरे लोगों को ना अपना ले। तो वही आपको बता दें कि ग्रेटा के ऊपर दिल्ली पुलिस में FIR हुई और ग्रेटा ने दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर के क्या लिखा है, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन की दिशा में काम करने वाली ग्रेटा थनबर्ग के किसानों को लेकर ट्वीट पर दिल्ली पुलिस की ओर से गुरुवार को दर्ज किए गए केस में उनके ट्वीट का जिक्र किया गया है। इसमें आपराधिक साजिश और समूह से दुश्मनी फैलाने का आरोप लगाया है। हालांकि केस दर्ज होने के बाद भी ग्रेटा डरी नहीं है। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा, मैं अभी भी किसानों के समर्थन में खड़ी हूं और नफरत, धमकी या मानवाधिकारों के उल्लंघन का इसे बदल नहीं सकेगा। गौरतलब है कि किसान कानूनों के खिलाफ दिल्ली से जुड़ी सीमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों के समर्थन में। ग्रेटा के ट्वीट ने पिछले 2 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां हासिल की है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान नवंबर माह से आंदोलन कर रहे हैं।
आपको बता दें कि ग्रेटा के खिलाफ एफआईआर दर्ज में पुलिस ने उस समय कहा था कि एफआईआर में उनका या किसी और का आरोपी के तौर पर नाम नहीं है। एफआईआर में साजिश रचने, विभिन्न ग्रुपों, समूहों और धार्मिक, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देने और मानवता की बहाली में पूर्व ग्रह से कार्य करने के आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 18 साल की ग्रेटा का पहला ट्वीट मंगलवार रात को पॉप स्टार रिहाना की ओर से CNN की एक खबर के साथ किए गए एक लाइन के कमेंट के बाद सामने आया था। उन्होंने ट्वीट में लिखा था, हम भारत में किसानों के आंदोलन के प्रति एकजुट हैं। अपने ट्वीट के साथ उन्होंने CNN की उसी स्टोरी को शेयर किया था जिसमें सरकार की ओर से प्रदर्शन स्थल पर इंटरनेट बंद किए जाने का उल्लेख था। दोस्तों, आपने ग्रेटा के ऊपर हुई FIR को देखा और किस लिए लिखी गई, किस लिए की गई, इस पर ग्रेटा का जवाब भी देख लिया। पर ग्रेटा के समर्थन में स्वरा भास्कर के खुल करके मैदान में आ गई हैं और स्वरा ने क्या कुछ लिखा है एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली थ्रेटा थनबर्ग का सपोर्ट करते हुए बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया है जो खूब वायरल हो रहा है। दरअसल हाल ही में भारत में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए ग्रेटा थनबर्ग ने एक ट्वीट किया था, लेकिन कुछ देर बाद ही उन्होंने अपने ट्वीट डिलीट कर दिया था। अब ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। जैसे ही ये खबर सामने आई, इस पर बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने रिएक्शन देते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस की तरफ से इशारा करते हुए सवाल पूछा है, ठीक है, लेकिन कोमल शर्मा कहाँ है, प्रिय दिल्ली पुलिस। इस पर बता दें कि स्वरा भास्कर किसान आंदोलन को लेकर लगातार ट्वीट कर रही है और अपना पक्ष रख रही है। यही नहीं, स्वरा भास्कर को अपना पक्ष सोशल मीडिया पर विवाकी के साथ रखने के लिए भी पहचाना जाता रहा है। स्वरा भास्कर अभी तक फ्लैश और भाग बिनी भाग जैसी सीरीज में नजर आ चुकी हैं। फ्लैश में वह पुलिस अफसर बनी थी तो भाग बिनी भाग में उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन का किरदार निभाया था। बता दें कि हाल ही में उनकी वेब सीरीज आपके कमरे में कोई रहता है रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, आपने देखा कि स्वरा भास्कर ने दिल्ली पुलिस से सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि वो कोमल शर्मा कहाँ है जो हुड़दंग करती हुई जनवरी के महीने में नजर आई थी JNU में। उनका कोई अता पता नहीं है, पर जिसने मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठा दी उसके खिलाफ आप FIR दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कनेडियन अक्षय कुमार की भी जमकर के क्लास लगाई है JGB ने, और JGB ने किस तरीके से जवाब दिया है अक्षय कुमार को उस पर भी नजर डाल लीजिए। अमेरिकी सिंगर रिहाना, एक्ट्रेस मिया खलीफा और सोशल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट क्या किया कि पूरा का पूरा बॉलीवुड उन्हें जवाब देने के लिए सोशल मीडिया पर उतर आया। सभी सितारों ने राष्ट्रीय एकता की दुहाई देकर ट्वीट किए, इसमें अक्षय कुमार भी शामिल रहे। लेकिन इन बॉलीवुड कलाकारों को सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया का भी सामना करना पड़ा है। अक्षय कुमार के ट्वीट पर पंजाबी सिंगर JGB ने अपना रिएक्शन दिया है और उन्हें एक फेक किंग तक कह डाला है। अक्षय कुमार ने इन सुपरस्टार्स को जवाब देते हुए लिखा कि किसान देश का बहुत ही अहम हिस्सा है, उनके मसलों का समाधान करने की हर एक कोशिश की जा रही है और वे नजर भी आ रही है। आइए सौहार्दपूर्ण समाधान का समर्थन करें, ना कि बांटने वाली बातों पर ध्यान दें। इस तरह अक्षय कुमार ने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया है। अक्षय कुमार के इस ट्वीट पर JGB ने कमेंट किया और उन्होंने लिखा, वाह जी वाह भाई, अब ट्वीट कर रहे हो, किसान 2 महीने से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, तब आपके पास से एक ट्वीट नहीं आया और अब उसे प्रोपेगेंडा बता रहे हो। ओह, तुम सिंग इज किंग नहीं हो सकते, क्योंकि असली किंग तो धरने पर बैठे हैं, नकली किंग अक्षय कुमार। इस तरह उन्होंने बॉलीवुड एक्टर को रिप्लाई किया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कनेडियन अक्षय कुमार की जबरदस्त भद्दपीड़ दी
सिंगर जेजेबी ने और साफ तौर पर कहा कि महाराज आप तब कहां थे जब 2 महीने से लगातार किसान सड़कों पर था, तब एक ट्वीट नहीं आया, हॉलीवुड से एक ट्वीट क्या आ गया, आप लोगों में बौखलाहट इतनी मच गई कि पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री उतर करके आ गया सिर्फ एक ट्वीट को गलत साबित करने के लिए और मोदी सरकार के समर्थन में, पर जिसके लिए ये लगातार आवाज उठा रहे हैं एक एक कर आपके सामने रखना चाहूं तो अगर फॉलोअर्स की बात की जाए तो 70 मिलियन यानी कि 70 करोड़ लोग रेहाना से जुड़े हुए हैं और जब पूरे बॉलीवुड के आंकड़े निकाल के जाते हैं तो 94 मिलियन यानी कि 94 करोड़ लोग पूरे बॉलीवुड एक्टर्स को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा प्रेशर मोदी सरकार के ऊपर बढ़ा है रेहाना के एक ट्वीट से, ग्रेटा के एक ट्वीट से, पर इन सब में जिसको गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी और भारत के अंधभक्त भारत की बेटी कहते हुए नहीं थक रहे थे। कमला हैरिस बाइडेन सरकार में उपराष्ट्रपति की बहन ने भी किसानों को लेकर के आवाज बुलंद की है पर उसका जिक्र नहीं है क्योंकि उस दौरान तो हमारे श्री प्यारे से नरेंद्र मोदी जी वो तो हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप करके आए थे और ये भी तो नारा लगाया था कि अब की बार ट्रंप की सरकार। जब अब की बार ट्रंप की सरकार और जो आपके देश में चल रहा है उसको किसी ने उजागर किया कर दिया तो आपने पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री अपने मैदान में उतार लिया है। क्या कुछ चल रहा है ट्विटर पर जंग, उसको लेकर के मैं आप लोगों के साथ जुड़ता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।